हेलो गाइस, वेलकम टू कुक विद सबा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए। टुडे वी आर गोइंग टू मेक चिकन ब्रोस्ट, सो लेट्स बिगिन। गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, रेड चिली पाउडर, साल्ट, रेड चिली सॉस, हॉट सॉस, मस्टर्ड पाउडर, टेस्टिंग पाउडर, और ये मैंने 1.5 kg चिकन लिया है। और ये 1/2 kg मैदा, और मैंने एक सिरिंज लिया है। सबसे पहले बोल में हम लोग चिली सॉस और हॉट सॉस मिक्स करेंगे, और उसके साथ ही रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। आपको जितना टेस्ट चाहिए आप इतना चिली पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा आप पानी भी ऐड करिए। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह उसको ऐसे ही हिलाते रहिए। थोड़ा ये पतला होने के बाद इसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। आपको चाहे तो आप थोड़ा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने तो इसमें नमक नहीं इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले सिरिंज को हम लोग इस सारे मसाले को हम सिरिंज में इस तरह से ले लेंगे, और इस तरह एक एक पीस को मसाला सारा सिरिंज के जरिए ऐसा आपको अंदर दे सकते हैं। चिकन को आप ऐसा सिरिंज के जरिए मसाला थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा दीजिए। फिर एक बोल में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐसा 3-3 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1.5 kg चिकन के लिए आप 3-3 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड चिली पाउडर, नमक, थोड़ा टेस्टेड पाउडर आप ये चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और ये रहा मस्टर्ड पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप चिकन को उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। और सारी चिकन को फिर इस मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस सारे मसाले को मिक्स करने के बाद आप इसको 2 या 3 आवर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अच्छी तरह मैरिनेट होने के बाद उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 3 आवर के बाद मैंने इसको बाहर निकाला है फ्रिज से, तो उसके आगे का मैं बताती हूँ। पहले आप फिर एक बोल में थोड़ा कोल्ड वाटर ले लीजिए। मैंने जो मैदा रखा है
एक एक पीस करके इस मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मैदे में मिक्स करने के बाद थोड़ा कोल्ड वाटर में सिर्फ 10 सेकेंड के लिए डिप करिए, क्योंकि उस वाटर में डिप करने से ना कोटिंग थोड़ी अच्छी रहती है। सिर्फ 10 सेकेंड के लिए देखिए, आपका मसाला पानी में नहीं जाएगा। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि पानी में डालने से मसाला सारा निकल जाता है। हम ऐसे ही एक 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 पीस करके सारे पीस को इसी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। सारे पीसेस को इसी तरह से एक 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 करके आप पहले आटे में मिक्स करिए, थोड़ा सा पानी में रखने के बाद फिर मैदे में आप उसे अच्छी तरह से मिक्स करिए। मैदे को ऐसा मिक्स करने से चिकन बहुत क्रिस्पी हो जाएगी आपकी। मैं आपको बताती हूँ उसके बाद कि आगे क्या करना है। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी चिकन बनेगी आपकी। इंशाअल्लाह आगे की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ फिर इसके आगे क्या करना है। देखिए, एक फ्राइंग पैन में आप ऑयल लेके एक एक पीस करके इसमें धीरे से डाल दीजिए और स्लो में रख के पकाइए। आंच तेज होने से वो सारे जल जाएंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल स्लो रख के एकदम धीमी आंच रख के इसको पकाया है। करने से आपकी चिकन अंदर तक पक जाएगी। देखिए, 15 मिनट के बाद मैंने इसको धीरे से निकाल लिया है। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है देखिए, और ये बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप भी आपके घर में ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी कैसी रही। माशाल्लाह देखिए, उसका कलर बिल्कुल गोल्डन जैसा हो गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी और यम्मी रहेगी। आप इसको केचप और मायोनीज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो मायोनीज नहीं लिया है। कमेंट्स करके बताइए कि आपकी चिकन कैसे बनी। थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।